अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या करूँ, कोरोना वायरस कुछ समझ नहीं आ रही करने को क्या करें। लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त मटेरियल मेरे हाथ में आया है, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है उस शख्स की और बहुत अच्छा कैरेक्टर है वो। उनकी बातों को सुन के मेरा दिल जीत लिया उन्होंने। तो जल्दी से देखते हैं वीडियो में जाके कि हम आज किसकी बात करने जा रहे हैं। इट्स रिकॉर्डिंग। अच्छा हो गया मैंने कुछ बोल नहीं दिया। मुझे पता ही नहीं कि रिकॉर्डिंग शुरू भी हो गई। अच्छा जी, पहले हम ये जरा हेडफोन लगा लें। लग गया, फिट हो गया। हाँ जी, हो गया। ओके, I am ready. Oh, एक मिनट। आंखें तो चार की ही नहीं। हाँ? इसके बगैर तो मैं बिल्कुल नील हूँ यार, कुछ नज़र ही नहीं आता मुझे तो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हम देखने जा रहे हैं अली रियाज। ये पाकिस्तान से हैं और इन्होंने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं। I am very much impressive by his videos. तो आज हम देखते हैं इनको कि ये क्या कह रहे हैं अपने वीडियोज में। लेट्स प्ले द वीडियो। अली भाई। जी भाई। आजकल के लोगों पे एक लाइन हो जे। आजकल कुत्ते कम और लोग ज्यादा भौंकते हैं। अरे वाह, तू मुहर una perra una diabla, mira como me ladra y me dice। बहुत अच्छी बात की कि आजकल लोग आजकल कुत्ते कम और लोग ज्यादा भौंकते हैं। वेरी वैलिड पॉइंट। नेक्स्ट वन। क्या कहा, तुम ये सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे? छोड़ो यार, तुम भी क्या सोचते हो? जरूरत नहीं है, ये सब की अपने को जरूरत नहीं है। देखें, यही तो मैं कहती हूँ, अगर कोई बंदा कुछ सोच रहा है ना और आप उसको समझा के थक गए हो, आपने अपना सर खपा के आप ख़त्म हो गए हो, तो आप उसको उसके हाल पे छोड़ दो। जब आप उसको उसके हाल पे छोड़ दोगे और आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि ये उसकी आदत है बोलते रहने की या किटकिट करने की या मुंबलिंग करने की, जो कुछ भी है, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। क्यों? कि आपने उसको ऐसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर आप ये कोशिश करते रहोगे कि उसको समझा के आप चेंज करो, उसकी नेचर को आप चेंज करो, यू कांट डू दैट। क्यों? कि आप किसी और को नहीं बदल सकते हो, लेकिन आपके ऊपर कंट्रोल है, अपने ऊपर आप अपने आप को बदल सकते हो। तो अपने आप को बदल लो। लोग क्या कहेंगे, ये क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, भूल जाएं इसको। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्लिप। मुखलिस था इसीलिए अकेला हूँ, अगर मतलब ही होता तो आज ये सारा जहां अपना होता। बिल्कुल, वेरी ट्रू। कमाल के लोग हैं आजकल के भी, टाइम किसी के पास नहीं और फिर भी सब टाइम पास करते हैं। वाह जी वाह, क्या बड़ी बात करते हैं। राइट, नेक्स्ट वन। जिंदगी में कभी किसी को आजमाया ही नहीं है, जितना प्यार दिया उतना कभी पाया ही नहीं है, और किसी को महसूस हो मेरी भी कमी, शायद खुदा ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं है। वेरी टचिंग। किसी को महसूस हो मेरी भी कमी, शायद खुदा ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं है। बहुत गहराई वाली बात कर दी। चले जी, नेक्स्ट वीडियो। बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ओ मेरे भाई, अगर तुम खुद की नजर में अच्छे हो ना तो तुम अच्छे हो, क्योंकि दुनिया की नजर का ठेका नहीं ले रखा। जरूरत नहीं है, ये सबकी अपने को जरूरत नहीं है। लोग क्या कहेंगे, अगर आप ये सोचते रहोगे ना कि लोग क्या कहेंगे, तो आप उनकी ज़िंदगी गुजार रहे हो, समझ रहे हो? अपनी ज़िंदगी गुजारो। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई,
एक बार जिसे सच्चा प्यार कर लो और वो हमें छोड़ जाए तो हम उसे कभी नहीं भूल सकते। पता है क्यों? क्योंकि घाव भरते भरते सारी जिंदगी गुजर जाती है। वेरी टचिंग यार, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए उसके दो चार क्लिप वीडियोस देख कर ही। मतलब समटाइम्स ऐसे होता है कि आप अपने दिल की बात किसी को कहना चाह रहे हो लेकिन आपके पास अल्फाज नहीं होते, और जब आप किसी और को सुनते हो ये वाली बातें कहते हुए तो आप कहते हो कि यार ये तो मेरी बात कर दी उसने। लेट्स मूव ऑन। अकल से काम ले लेना लेकिन अपनों से नहीं, क्योंकि मुश्किल वक्त थोड़ी देर का होता है और बातें सारी जिंदगी सुनना पड़ती हैं। बिल्कुल सही, मुश्किल वक्त थोड़ी देर का होता है लेकिन बातें सारी जिंदगी सुननी पड़ती हैं। बिल्कुल सही कहा, 100% ही इज राइट। ये मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत 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 कठिन एक्सपीरियंस हो चुका है। मतलब रिश्तेदारों से आप मदद मांगो, मेरा मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया, वो बातें मैं अभी तक सुन रही हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, वरना मैंने अभी रोना शुरू हो जाना है, मैंने बहुत इमोशनल हो जाना है यहाँ पे। आप मुझे टाइम क्यों नहीं देते? आप मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते? आप मुझे क्यों नहीं समझते? ओ मेरे भाई बहनों, खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो, जो तुम्हें नहीं समझता उसे समझाना छोड़ दो। चल हट निकल मेरी जिंदगी से। यही बात मैंने अभी कही ना कि जो आपको नहीं समझता आप उसे उसके हाल पे छोड़ दो, जस्ट मूव ऑन। मतलब आप जिंदगी में सुकून चाहते हो तो आप जो दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे हो आप वो छोड़ दो, सिंपल एज दैट। आप अपने आप को बदल लो, लेट्स मूव ऑन। ना कोई पास था मेरे, ना कोई साथ है मेरे, मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूँ, मुझे तन्हा ही रहने दो। मेरी ये जात भी मिट्टी, मेरी ये औकात भी मिट्टी, मैं मिट्टी था, मैं मिट्टी हूँ, मुझे मिट्टी ही रहने दो। यार बहुत टचिंग उसने वीडियोस बनाए हैं, बहुत ज्यादा। मुझे ये नहीं समझ आई कि उसने मेरे दिल के तारों को कैसे छू लिया। मतलब क्या उसको पता चल गया था कि रूही बाजी ये सुनना चाह रही हैं तो मैं यही कुछ बनाता हूँ? मतलब एक एक जो वर्ड था उसका जैसे मेरे दिल की आवाज़ निकल रही हो। अगर आप ये सारे वीडियोस दोबारा देखें, आप क्लिप्स दोबारा सुनें तो जस्ट थिंक इट कि ये मेरे दिल की आवाज़ है। ये मेरे दिल की आवाज़ है जो आप लोगों तक पहुँची है जी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे अली रियाज। एक एक सेंटेंस में, एक एक वीडियो में वो ऐसे लाख रुपए की बात कर गए हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने मैसेजेस दिए हैं कि जो बिल्कुल नायाब हैं। मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते कि दे डोंट इम्प्लीमेंट ऑन देयर लाइफ। मतलब हकीकत का पहलू उन्होंने दिखाया है। अब ये इतना बड़ा टैलेंट था उसका, उसका अकाउंट बंद हो गया क्यों? मतलब बहुत डिसहार्ट भी हुआ होगा वो। ठीक है मैं मानती हूँ कुछ लोग मिसयूज़ भी कर रहे थे टिकटॉक को, तो फिर वहाँ पे एक क्राइटेरिया बना देना चाहिए गवर्नमेंट को एक क्राइटेरिया बना देना चाहिए कि हाँ भाई किस चीज़ का आपने अपना अकाउंट खोलना है, आप हमें कुछ वीडियोस एग्जांपल्स दिखाओ, फिर उसके बाद हम अप्रूव करेंगे आपको कि आप बना सकते अकाउंट के नहीं। लेकिन कुछ लोगों के ख़राब टिकटॉक वीडियोज़ बनाने से सबको ही अंदर इन्होंने लपेट दिया और पूरा कम्प्लीटली टिकटॉक बंद कर दिया। I don't understand this. It doesn't make a sense. I hope कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। आए हो तो कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाना, सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, और ठोको लाइक पे ठोको, ठोक के तो जाओ ना, किल्ला तो ठोक के जाओ, पता तो चले कोई आया था। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम लुक आफ्टर योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।